आज मैं बताऊंगा आपको एक ऐसे बैच के बारे में, एक ऐसा पनौती बैच जो शुरू हुआ नोटबंदी से और खत्म होगा देशबंदी पर। Hey, y'all, come look at this. जी हाँ, वो है बैच 2016, the 2016 बैच। Wait a minute. 2016 का नीट भी JEE की तरह दो बार हुआ। आज के हालात देख के ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स की पढ़ाई भी इंजीनियर्स की तरह 4 साल में खत्म हो जाएगी। म्यूजिक जैसे तैसे करके हम कॉलेज पहुंचे। MMC में हर नए बैच का स्वागत एक वेलकम फेस्ट के द्वारा होता है। हमारा नहीं हुआ। पहले दिन वैसे तो डिपार्टमेंट्स बोलते हैं, बच्चे नए हो, कॉलेज एंजॉय करो, दोस्त बनाओ। हमें बोला गया, बच्चों पढ़ना शुरू कर दो, तुम्हारा बैच वैसे ही लेट स्टार्ट हुआ है, सिलेबस पूरा करना है। दिन में डिपार्टमेंट्स पढ़ाई के नाम पे मारते थे और रात में सीनियर्स इंटरेक्शन के नाम पे। थोड़ी तो रहम करो इस बच्चे पे, छोटा हूं। जैसे तैसे हम जी रहे थे, सब कुछ सह रहे थे कि नोट बंदी हो गई। उस टाइम जो कैंटीन में उधार किया वो अब तक नहीं चुका। पहले सेमेस्टर में जब हमें दोस्त बनाने थे, नई नई मेमोरीज बनानी थी, तो हम फाइल्स बना रहे थे अपनी और अपने सीनियर्स की। अरे प्लीज माफ कर दो, बच्चे ही जान ले रही हो। मैंने सुना था डॉक्टर्स को इज्जत मिलती है, पर जब डॉक्टर्स को पिटते हुए देखा तो हमने इज्जत पाने के लिए प्रोटेस्ट किया। खैर, इज्जत नहीं मिली। डिपार्टमेंट्स ने हमें बताया कि बच्चों एंजॉय करो, दोस्त बनाओ। तो बाद में पता चला कि एंजॉयमेंट उनके लिए पढ़ाई थी और दोस्त किताबें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि ये एडमिन वालों में इतनी अकड़ किस बात की है। अगर किसी को कोरोना हो तो जरा इनके पास घूम के आए, इनको भी पता चलना चाहिए कि सफर करना किसे कहते हैं। प्रोफेसर हमेशा कहते थे बच्चे पढ़ाई करो, और सीनियर्स कहते थे अबे इतना पढ़ के कहाँ जाएगा। ओ भाई, मारो मुझे। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सब कहते हैं डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, पर हमें इसी भगवान की गरिमा को बचाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करना पड़ा। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। इन सब से जूझते हुए हम अभी फाइनल ईयर में पहुंचे ही थे। अभी होने वाले डॉक्टर का कुमार छाने लगा था कि देश बंदी हो गई। वार्ड्स, क्लिनिकल पोस्टिंग्स में PGs, SRs, कंसल्टेंट से बेइज्जती करवा के एटलीस्ट हम कुछ सीख जाया करते थे। पर घर पे बेइज्जती कराने से तो कुछ फायदा हो नहीं रहा। बट हाँ, इन मेडिकोस लाइफ बेइज्जती इज कॉन्स्टेंट। पहले तो ऑल प्रेजेंट्स लगवा ली, आप पोस्टिंग्स जा नहीं पा रहे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। हमारे बैच के डॉक्टर्स को डिग्री तो मिल जाएगी, पर क्या सोसाइटी हमें एक्सेप्ट करेगी? नहीं। वैसे तो लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, पर आप सबको पता ही है ऑनलाइन क्लासेस में सिर्फ डाटा और बैटरी खत्म होती है। फाइनल ईयर तक फेस्ट की फेस्टिविटी खत्म हो ही जाती है, पर इस साल फेस्ट ना होने का बहुत दुख है। से ज्यादा कोई और दुखी है। जो दुखी है, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। कॉलेज खुलने के बाद हम फेस्ट तो करा ही सकते हैं, क्योंकि हमारे फेस्ट का फुटफॉल तो सोशल डिस्टेंसिंग वैसे ही फॉलो करता है। वाइवा भी कैसे लेंगे, एक खांसी में फट जाएगी। और ऐसा पहली बार होगा कि एक वाइवा में दो दो तशरीफ फटेंगे।
That's rappers like a bitch getting passed around. I don't need your अपने खुद के बैच की मैं और बुराई नहीं करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, एटलीस्ट 2016 बैच वालों के साथ तो कर ही दीजिए। मेरी पिछली वीडियोस को जो आपने रिस्पॉन्स दिया उसके लिए शुक्रिया। इसी के साथ अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।